बादशाह खान, तुम्हारी हरकतों में गुस्सा भी आता है और हैरत भी। तुम्हारा जुनून दोनों कबीलों के दरमियान जंग का सबब भी बन सकता है। हमारा जंग हुस्न से है, कबीले से नहीं बेनजीर। बहुत लंबा जुबान हो गया इसका, काटे बगैर छटा नहीं होगा। हमारे सरदार की जुबान काटने से पहले हम तुम्हारे तलवार का इतना टुकड़ा कर देगा कि बटोरते बटोरते तुम्हारी उम्र कट जाएगी। खुदा बख्श, जाहिल की बातों का जवाब खामोशी होता है। मुझे जाहिल कहता है बेनजीर, हम तुमसे निकाह करेगा। ये नामुमकिन है बादशाह खान। बादशाह नामुमकिन को मुमकिन करके रहेगा। इसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान की खाक छाननी पड़ेगी। छानेगा? ये क्या पागलपन है बादशाह? मेरे अब्बा के कातिल हबीबुल्लाह का सर लाना पड़ेगा। लाएगा। होश में आओ बादशाह खान, होश में। इस इम्तिहान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। बहुत पहले ही कुर्बान हो चुकी है तुम पर बेनजीर। बादशाह खान, अगर ऐसा हुआ तो बेनजीर तुम्हारी हो जाएगी। बेनजीर, तुम हमारी हो गई है ना। तुम्हारे सामने एक ऐसी सच्चाई खड़ी है जिसे देखकर आईना भी झूठ नहीं बोल सकता। कहां है वो बेरहम बाप जिसने दूसरों की गिरीबान तो सी डाली मगर अपनों के ही गिरीबान भूल गया। बेटी बाप के लिए तड़प रही है ना? बताओ कहां है, बताओ कहां है वो जल्लाद बाप? उन्हें जल्लाद मत कहो मेहंदी, मत करो उन पर और एक जुल्म। अरे वो तो देवता है, देवता। तो बताओ कहां है तुम्हारा वो देवता? मुझे माफ कर दो मेहंदी, मैं एक राजपूत की बेटी हूं, वचन नहीं तोड़ सकती। मुझे माफ कर दो मेहंदी, मुझे माफ कर दो। काजल, ये नेकलेस नया है, काफी महंगा लग रहा है। हम पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या, जिस चीज पर दिल आ गया सो खरीद ली। रिजा, आज मिसेस राव नहीं आई? आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। बाकी के दिनों में भले ही पति की परवाह करे या ना करे, लेकिन शादी की सालगिरह का दिन तो पति के साथ ही गुजारती है और रात भी। काजल, आज हमारी शादी की सालगिरह है, याद है कि भूल गई? And I declare, मेरा फुल हैंड, मेरे 30 पॉइंट। काजल तेरे कितने हुए? मेरा फुल हैंड। सुनिए, अरे सुनो जी, प्रीति कहाँ चले गए सब लोग? इससे नीचे उतरने के लिए अब और सीढ़ियां नहीं है बेटी। माँ, तू ये भी भूल गई कि आज तेरी शादी की सालगिरह है? याद आ गई, तभी तो भागी चली आई। याद आ गई कहती हुई तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ गई थी, कहाँ थी अब तक? वही तो, क्लब में पत्ते खेल रही थी। क्या? अरे झूठ ही बोल देती कि तू किसी के यहाँ पूजा कीर्तन में गई थी। तो थोड़ा कम जी चलता मेरा, दौलत का ऐसा नशा चढ़ा है तुझे कि तूने दामाद जी को ही भुला दिया। भगवान ना करे किसी दिन दामाद जी तुझे भुला दे तो तू कहीं की नहीं रहेगी। देखो मिस्टर, मेरी तारीफ करना, मेरा पीछा करना अगर तुमने ना छोड़ा तो इस हिल स्टेशन पर एक पुलिस स्टेशन भी है। अजी छोड़िए, प्यार करने वाले पुलिस से तो क्या मिलिट्री से भी नहीं डरते, और हमने तो आपसे इश्क किया है। इश्क? और मुझसे? ये प्यार और मोहब्बत का खेल शहरों में जाकर खेलिए। तुम जैसे अमीरों की चालाकी मैं खूब जानती हूँ। इन वादियों में तुम जैसे कितने अमीरों ने अपने प्यार के जाल में फंसा कर कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नफरत है तुम जैसे अमीरों से, सख्त नफरत है। अरे रे 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 रे। अमीर और मैं आगे ना भी धोखा। अच्छा बताइए, मैं आपको कौन से एंगल से अमीर दिखा देता हूँ? सर से पांव तक अमीरी की जीती जागती तस्वीर हो तुम। नहीं मिस, मैं तो एक बहुत गरीब आदमी हूँ, एक अमीर आदमी का सेक्रेटरी जरूर हूँ, लेकिन सच कह रहा हूँ चांदनी, सिर्फ तुमसे मिलने की तमन्ना ने, तुम्हें देखने की आरजू ने मुझे ठीक होने की शक्ति थी, मुझे बचा के रखा,
और तुम्हारी मोहब्बत की ही वजह से।